So next topic will be electromeric effect. Electromeric effect. Electromeric effect. Now, what do you mean by electromeric? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. It is temporary transfer of electron from one atom to another on the demand of attacking reagent is called as electromeric effect. क्या बोला? Temporary transfer of electron from one atom to another atom on the demand of attacking reagent. Temporary transfer of electron from one atom to another atom on the demand of attacking reagent. So that is called as to be electromagnetic effect. मतलब देखो ध्यान से. मान लो मेरे पास यहां C डबल बॉन्ड C है. ऐसा है, डबल बॉन्ड है. अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया एक H पॉजिटिव भूखा नंगा, है ना भाई? H पॉजिटिव भूखा नंगा ही होता है, है ना? H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो कोई ले गया तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो एच कैसा बन गया? भूखा नंगा, है ना भाई? तो भूखा नंगा एच पॉजिटिव, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो कार्बन क्या के पास? कार्बन के इस कार्बन के पास आके रोता, भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन है विच आर लूजली हेल्ड. इस कार्बन ने दया खा करके इसको इलेक्ट्रॉन दिए, पर जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये पॉजिटिव हो गया. ये पॉजिटिव हुआ तो इसने अगले कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लिए. अब उसकी वजह से हुआ क्या कि ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो गया, ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो गया, एच का सी के साथ बॉन्ड बन गया, क्योंकि सी ने एच को इलेक्ट्रॉन दिए थे, बॉन्ड बन गया और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए थे, तो ये कार्बन कैसा हो गया था? पॉजिटिव. So this is transfer of electron from this atom to this atom on the demand of this attacking reagent. But this is temporary. Why it is temporary? मान लो कोई बेस आ गया. दुनिया में सारे रिश्ते ना मतलब ही होते हैं, सिवाय अपने जो near and dear होते ना, ठीक, अपने घर वाले, उनके relationship ही अच्छे होते हैं, बाकी तो दोस्त वोस्त कुछ नहीं होते, ठीक. तो क्या हुआ, जब ये इसने देखा ये नेगेटिव है भाई, इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मिलेंगे एच ने, वैसे यहां के इलेक्ट्रॉन इसके मथे मारे और खुद फटाफट इसके साथ जुड़ गया, मतलब ये इंसान है ना. तो हमारे पास क्या हो गया यहां पर, फिर से वही, और भैया बाहर निकल गया H2O, है ना. तो ये टेम्परेरी था कि नहीं था? टेम्परेरी ट्रांसफर था, ठीक. So this is temporary transfer, ये वापिस भी हो सकता है. तो कहने का मतलब कि हमारे पास temporary transfer of electron from one atom to another atom on the demand of attacking reagent is called as electromeric effect. ये ऐसे भी हो सकता था कि मान लो मेरे पास C double bond C ये था, अब इसके ऊपर कोई Z negative था, इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज, इस Z नेगेटिव ने यहां अटैक किया, यानी यहां इलेक्ट्रॉन दिए, तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन की उल्टी यहां की, कार्बन का मन भी खराब हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन उल्टी अंधे कार्बन पे कर दी. समझे मेरी बात? कि जैसे Z ने यहां इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन को Z से इलेक्ट्रॉन मिले, इसने ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के मथे मार दिए. अब हमारे पास यहां पर आ गया कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे आ गया Z, ठीक है जी. नो अगेन यू सी दिस इज अ टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम टू दिस एटम ऑन द डिमांड ऑफ दिस अटैकिंग एजेंट. टेम्परेरी इसलिए
कि कल को ये वापिस देके जेड को बाहर ठोडा भी मार सकता है अगर कोई और चीज आ जाए, ठीक। सो दिस टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। बोलो पहले इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस और नो। ओजस जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। ओके, अब देखो बेटे अगली बात, ये आप देख रहे हो दो तरह के ट्रांसफर है, यहां तो रिंग पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, यहां तो सॉरी चेन पे क्या आ रहा है कार्बन पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, यहां तो कार्बन पे नेगेटिव, तो दो तरह का होता होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डिवेलप होता है तो उसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट हो गया। पॉजिटिव चार्ज डिवेलप होता है चेन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो प्लस ई होता है, और वहीं पे अगर माइनस चार्ज होता है तो माइनस ई आता है, ठीक है, क्लियर जी। तो यानी अगर आपके पास बेटे प्लस चार्ज इन्वॉल्व होता है तो प्लस ई आता है, माइनस चार्ज इन्वॉल्व होता है तो माइनस ई आता है, तो दो तरह का होगा प्लस ई या माइनस ई, जैसा चार्ज दिखाई दे, ठीक। चेन पे जैसा चार्ज दिखाई दे, कार्बन पे जैसा चार्ज दिखाई दे, उसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। नाउ जैसे कि आपने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है, रिजोनेंस परमानेंट होती है, एक बारी हो गई हो गई, पर ये तो नाम से शुरुआत से ही पता टेम्परेरी है। सो दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी वाले सर ने कौन से इफेक्ट बताए थे, टेम्परेरी कौन से इफेक्ट बताए थे, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, जो मीडियम की वजह से होते हैं, तो मीडियम चेंज होने से अलग होगा। तो अगर मीडियम एसिडिक था, ठीक, तो बेटा प्लस ई हो गया मान लो, इसी तरह मीडियम बेसिक होता तो माइनस ई हो गया। अब मान लो यहां पे आप फिर से बेस डाल देते तो वापिस हो गया था ना भाई, है ना, तो इसीलिए ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स होते हैं, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, देयरफॉर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग मीडियम है ना, सराउंडिंग मीडियम, तो ऑब्वियसली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग वंस, ठीक, बट डेफिनेटली जितना मैकेनिज्म आगे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वो सारे इसी के बेसिस पे है। अगर ये मूवमेंट समझ नहीं आती है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट समझ नहीं आते, तो कोई मैकेनिज्म नहीं आता, क्योंकि मैकेनिज्म में हमें यही देखना होता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए और क्यों गए और किसकी वजह से गए। तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये दो तरह का होता है बेटा, ठीक है जी, प्लस सी और माइनस सी, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होता है, इसलिए दिस एक्चुअली gives us the idea for mechanism, then it plays role in mechanism of reaction, reaction hoga kaise, us mechanism ko definitely hum show karte hain isse. To samajh lena ki agar electron deficient substances या electron deficient attacking reagents they cause plus E, और electron rich attacking reagents cause minus E। बेटा inductive effect में से उल्टा होता था, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता था वो प्लस आई शो करता था, रादर वो माइनस आई शो करता था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता था वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता था, यहां पे वहां पे जो ग्रुप था उसका इफेक्ट हुआ करता था, यहां पे बाहर से जो आ रहा है उसका ऊपर जो चार्ज आया उसके हिसाब से हो गया। तो चलिए लास्ट में लिखिए फटाफट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आया,
तो आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक, मे बी ऑन मंडे, इजंट इट, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको, लाइक एरोमेटिसिटी, थैंक्स अ लॉट.